जरा सोचो, अगर तुम्हारे अंदर अचानक गायब होने की शक्ति आ जाए। कुछ ऐसा ही होता है इस लड़की के साथ। अब आगे वो क्या क्या कांड करेगी, ये हम आज की इस मूवी में देखने वाले हैं। मूवी के स्टार्ट में हम स्ट्रॉइड्स को देखते हैं, जो कि वर्ल्ड की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। किसी भी वक्त हमारे और ये आ सकता है, और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, जिसके बाद हम यहाँ ऑयल नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि समंदर के बीच में खड़ा एक बोट पर होता है। दरअसल उसने शिप पर सामान को लेकर जाना था, लेकिन अब जो उसकी बोट होती है वो बहुत छोटी होती है। उस पर एक टन का सामान नहीं आ सकता, सिर्फ 600 किलो का सामान आ सकता है। उस छोटे बोट के मालिक को मत बताना, सिर्फ ये कहना कि 600 किलो का सामान है। अब शिप में जैम नजर आता है। कुछ दूरी पर जाकर शिप डूब जाती है, क्योंकि सामान उस पर ज्यादा होता है। इसके साथ साथ पूरा सामान भी डूब जाता है, और उस छोटी बोट का मालिक और ऑल जैसे भी कर किनारे तक आ जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। अब जब बोट डूब गई थी, उसके बदले ऑल को कुछ पैसे देने थे, लेकिन उसकी जेब में एक पैसा भी नहीं था। वो इस बोट के ओनर से अपनी कार एक्सचेंज कर लेता है, क्योंकि उसके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। वह यहाँ से एक बैंक में जाता है, जहाँ पर वो अपने बचपन की दोस्त सुतलाना से मिलता है, जो कि इस बैंक में कैशियर की जॉब करती है। और ऑल बोलता है कि उसे लोन की जरूरत है। सुतलाना उसे लोन की रकम सुनते ही वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि लोन की रकम पूरी $1 million थी। सुतलाना उसे बोलती है कि तुम्हें कोई भी बैंक इतना बड़ा लोन नहीं देगा, जब तक तुम्हारे पास कोई अच्छी सिक्योरिटी ना हो। अब ऑल काफी परेशान हो जाता है। सुतलाना उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपने डैड से मिलवाती हूँ, वो शायद तुम्हारी कोई हेल्प कर दे। सुतलाना ऑल की मदद इसलिए करना चाहती है, क्योंकि वो बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद सुतलाना ऑल की बहुत सी खराब कार में बैठकर अपने घर चली जाती है। यहाँ हम सब लाना की फैमिली को देखते हैं, जो कि काफी बड़ी होती है, और यहाँ पर उसके फैमिली में हर किसी के अपने ड्रीम्स होते हैं। जैसे कि उसके डैड, जिनकी ख्वाहिश है कि सब लोग मिलकर रहे, उसकी बड़ी बहन जो कि आर्टिस्ट बनना चाहती है, उसका भाई आर्मी में जाना चाहता है, लेकिन वो अस्थमा का मरीज है, जिसकी वजह से वो हर बार रिजेक्ट हो जाता है। अब घर की सबसे छोटी बेटी यानी उसकी सबसे छोटी बहन बड़ा होना चाहती है, ताकि वो सारे काम कर सके, जैसे कि सारे बच्चे करते हैं। वेल, आगे इसके पास सुतलाना के डैड को अपने परेशानी का बताता है, और बोलता है कि मुझे आपकी थोड़ी सी मदद की जरूरत है, जिसके बदले मैं आपको कुछ कमीशन दूंगा। लेकिन सुतलाना के डैड बोलकर मना कर देते हैं, और उसको काफी कुछ बुरा भला कहते हैं। ये सब बोलकर सुतलाना के डैड वहाँ से जाने लगते हैं, और हम देखते हैं कि मेट्रॉइड अर्थ पर आ रहा है, वो भी काफी करीब आ गया है। और तभी वो आकर सुतलाना के घर में गिर जाता है, जिस वजह से वहाँ एक काफी बड़ा होल हो जाता है। सब घर वाले घर से बाहर भागते हैं, फिर वो देखते हैं कि पूरे शहर में ऐसे मेट्रॉइड्स गिर रहे हैं। तभी सुतलाना को याद आता है कि उस मेट्रॉइड के नीचे उसके ग्रैंडफादर दब गए हैं। सभी लोग भागते हुए घर के अंदर जाते हैं, और फिर वहाँ ग्रैंडफादर को निकालते हैं। उसके बाद वेल सबसे कहता है, हमें मेट्रॉइड्स को निकालना चाहिए, ताकि हम उसको बेचकर कुछ पैसे कमा सके। इसकी बात को सब लोग मान जाते हैं, और मेट्रॉइड्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन काफी खुदाई करने के बाद वो उन्हें नहीं मिलता, जिसकी वजह से सब लोग थक जाते हैं और जाकर सो जाते हैं। लेकिन वेल हार नहीं मानता, उसके ऊपर काफी कर्जा है, वो उसे ढूंढ लेता है। इसी बीच ग्रैंडफादर वेल को बुलाते हैं, और उसे कहते हैं कि मेरे जाने का टाइम आ गया है, और ये बोलने के बाद वहीं उनकी डेथ हो जाती है। ये देखकर वेल काफी उदास हो जाता है, इस सोच में पड़ जाता है कि ग्रैंडफादर की ये बात घर वालों को कैसे बताए। लेकिन यहाँ पर वेल हिम्मत कर सुतलाना के पास जाता है, और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि उसे बार बार उठाने पर भी नहीं उठती। तभी वहाँ सुतलाना का छोटा भाई आता है, उसे अपने साथ ले जाता है, और उसे बताता है कि मेट्रॉइड्स पिघल कर लिक्विड बन गया है। वो बताता है कि डैड ने गलती से किक करके उसे गिरा दिया, जिससे वो पूरे घर में फैल गया है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट की बात पता चलती है कि मेट्रॉइड के फैलने की वजह से ज्यादातर लोगों के पास अलग अलग तरह की सुपरनेचुरल पावर आ गई थी, जैसे कि सुतलाना की छोटी बहन सुपर वुमन बन चुकी थी, हर चीज को तोड़ सकती थी। उसकी बड़ी बहन हवा में उड़ने लगी थी, और वहीं सुतलाना के पास भी इनविजिबल होने की पावर आ गई थी। सब घर वाले काफी खुश थे। यही नहीं, उनको एक और बात पता चलती है, ये पावर तब काम करेगी जब वो सब साथ रहेंगे, वरना ये पावर काम नहीं करेगी, यानी कि उन्हें 20 मीटर की दूरी में रहना पड़ेगा अगर इन्हें इस पावर का इस्तेमाल करना है। वेल यहाँ पर सुतलाना की दोनों बहन को लेकर डॉक्टर के पास जाता है, ताकि वो इन्हें चेक करवा सके कि इनकी बॉडी के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन डॉक्टर चेक करने के बाद बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल फिट एंड फाइन है। घर आने के बाद सभी डिनर कर रहे होते हैं, कि अब वेल आता है और कहता है कि क्यों ना हम इस पावर का यूज करें और कुछ पैसे कमाएं, इन सब चीजों से हमें काफी फायदा होगा और हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन हमेशा की तरह सुतलाना के डर इस बात को इग्नोर कर देते हैं। तभी वहाँ सुतलाना का भाई आ जाता है और बताता है कि उसे अपने पावर का पता लग गया है। वो सबको बता देता है कि वो जानवरों से बात कर सकता है, और वो आसानी से अपने डॉग को समझ लेता है कि वो क्या कह रहा है। इसी दरमियान हम वेल को देखते हैं, जो कि आयरन रॉड मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो रॉड नहीं मुड़ती। अब सभी के पास पावर थी, लेकिन वेल के पास कोई पावर नहीं थी। ये सोचकर वो काफी उदास हो जाता है, उसे काफी बुरा लगता है, जबकि उसने मेट्रॉइड्स को ढूंढा। अब सुबह मॉर्निंग में हम देखते हैं कि सुतलाना के डैड टॉयलेट कर रहे होते हैं, वो एक लंबी सांस लेते हैं, तभी
तभी अचानक से वो घर के बाहर आ जाते हैं, यानी कि उनके पास भी उनकी पावर आ गई थी जिससे वो कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते थे। और इसके बाद सोतलाना के डैड सबको लेकर लेक पर चले जाते हैं। वो सब लोग अपने अपने पावर को यूज करते हैं, ट्राई करते हैं, सभी लोग काफी खुश होते हैं। तभी वेल कहता है कि क्यों ना हम बैंक लूटे, इससे हमें बहुत फायदा होगा। वेल किसी भी तरह उस डॉन के पैसे वापस करना चाहता था, इसीलिए वो ऐसे आइडियाज दे रहा था, लेकिन उसके बाद सोतलाना को पसंद नहीं आती और वो मना कर देती है। वेल यहाँ पर काफी नाराज हो जाता है और कार की तरफ जाने लगता है, लेकिन सोतलाना उसकी कार में जाकर बैठ जाती है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी अचानक से एक आदमी की कार आकर उनके सामने रुकती है। आपको याद होगा कि हमने मूवी के स्टार्ट में एक बड़ा सा शिप देखा था जिसके ओनर से वेल ने वादा किया था कि वो उसका एक टन का सामान सही सलामत पहुँचा देगा, लेकिन उसने डुबो दिया। ये वही आदमी है जिसका वो सामान था और वेल ने वादा किया था कि वो उसे $1 million का सामान उसे वापस कर देगा। अब अभी तक उसने उसके पैसे वापस नहीं किए थे, तो डॉन अब वेल को कार में बुलाता है और कहता है कि मेरे 1 million कब दे रहे हो, वरना मैं तुम्हारे ऑर्गन्स निकाल कर चाइना में बेच दूंगा। अब ये सारी बातें सुनकर वेल काफी डर जाता है और 1 हफ्ते का टाइम मांगता है पैसे लौटाने के लिए। उसी वक्त सोतलाना सारी बातें सुन लेती है, अब वो बैंक लूटने के लिए मान जाती है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वेल और सोतलाना के डैड को एक बंगले में लेकर जाते हैं ताकि उनके दिल में थोड़ा सा लालच आ जाए और वो बैंक लूटने के लिए मान जाए। लेकिन फिर भी सोतलाना के डैड नहीं मानते। सोतलाना अपने डैड को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और वो रोने लगती है और वो डैड से कहती है कि मैंने आज तक कोई भी चीज आपसे नहीं मांगी, ये पहली और आखिरी चीज है, प्लीज मान जाओ। सोतलाना के इमोशनल ब्लैकमेलिंग के वजह से सोतलाना के डैड मान जाते हैं। अब घर आने पर सोतलाना के डैड सब लोगों को इकट्ठा करके बैंक लूटने के लिए सारी डिटेल्स देने लगते हैं। वेल उन्हें बोलता है कि हमें एक कार में बैठना है, बाकी सारा काम सोतलाना का है। वो इनविजिबल होकर बैंक के अंदर जाएगी और पैसे लेकर वापस आ जाएगी। अब ये इनका काफी आसान प्लान था। अब यहाँ पर वेल अकेला गार्डन में था जहाँ पर वो एक कप उठाने की कोशिश करता है बिना उसे छुए। तभी वहाँ सोतलाना आ जाती है जो कि इनविजिबल थी, वो वही कप उठा रही थी। अब अगले दिन सारे कह रहे होते हैं कि उन्हें उनके पावर को पब्लिक को दिखाना है, लेकिन वेल मना कर देता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो हाँ भी कह देता है क्योंकि उसे उन लोगों की जरूरत थी। वो सब लोग एक थिएटर में जाते हैं जहाँ सभी डायरेक्टर को अपनी पावर दिखाते हैं जिससे वो काफी पैसे कमा सके। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेल को भी पता चल जाता है कि उसके पास भी एक सुपर पावर है फाइनली, जिसमें वो अपनी उंगलियों से पानी निकाल सकता है। अब सारी फैमिली फनल एजेंट के पास जाती है। ये ग्रैंडफादर की आखिरी विश होती है कि उनका फ्यूनरल काफी अच्छा हो, जिस वजह से वो इस एजेंट के पास आए थे। अब इसके बाद वेल और सोतलाना की छोटी बहन थाने पर जाते हैं। अब वहाँ पर कुछ आदमी वेल को काफी परेशान करते हैं। यहाँ पर सोतलाना की बहन को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी सुपर पावर इस्तेमाल करके उनको काफी अच्छा सबक सिखाती है। अब फाइनली बैंक लूटने का टाइम आ जाता है और सारे लोग बैंक के सामने खड़े हो जाते हैं। अब जो भी करना था वो सोतलाना को करना था, इसलिए हम जानते हैं कि वो एक इनविजिबल गर्ल है, इनविजिबल हो जाती है, लेकिन उसके कपड़े अभी भी नजर आ रहे होते हैं, तो वो अपना सब कुछ रिमूव कर देती है। तभी वो इनविजिबल होकर बैंक के अंदर जाती है। अब वो फाइनली बैंक के अंदर जाकर ऑफिशियली पासवर्ड और कोड्स को जान लेती है और बाहर खड़ी कार को पुलिस की कार धक्का देने लगती है, जिसकी वजह से उन लोगों की रेंज दूर हो जाती है और अंदर सोतलाना नजर आने लग जाती है। जैसा कि उनके पावर को यूज करने के लिए सबको आसपास रहना ही जरूरी है, और ये मुसीबत देखकर वेल कार से बाहर आ जाता है सारे लोगों को रेंज में लाने के लिए, जिससे सोतलाना फिर इनविजिबल हो जाती है और थोड़ी देर बाद वो वापस कार में आकर बैठ जाती है बिना पैसे लिए, क्योंकि बाहर पुलिस आ जाती है। सबको एक एक कर पुलिस कार रोक लेती है। उस वक्त सोतलाना के डैड कार से गायब हो जाते हैं। फिर पुलिस उन लोगों के पास आती है और कुछ नहीं बोलती और जाने देती है। कुछ देर बाद सोतलाना के डैड की कॉल आती है और वो उसे बोलते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वो गायब होकर कहां आ चुके हैं। उसी वक्त कुछ पुलिस वाले वैन का दरवाजा खोलते हैं और उसमें सोतलाना के डैड को देखते हैं, मतलब वो गायब होकर पुलिस के वैन में है। इसके बाद वेल घर आकर काफी गुस्सा करता है और शाउट करता है और कहता है कि तुम लोग बहुत बेवकूफ हो, हम कभी भी बैंक नहीं लूट सकते हैं। अभी ये सुनकर सोतलाना की बहन बताती है कि उसका थिएटर में शो है, तो वेल ये सुनकर कहता है कि हम सबको शो की तरफ डाइवर्ट कर देंगे और रात के वक्त बैंक को लूट लेंगे। पर यहाँ पर सोतलाना की बहन थिएटर में देखती है कि काफी तादाद में लोग आए हुए हैं और यहाँ पर लोगों को देखकर वो नर्वस हो जाती है और वहाँ से उड़कर भागने लगती है। अब सोतलाना और वेल उसको समझाने के लिए उसके पास जाते हैं। इसी दरमियान वेल का जो डॉन होता है वो उसे देख लेता है, उसे उठाकर ले जाता है, जिसके बाद डॉन के लोग वेल को काफी बुरी तरह से मारते हैं। वेल काफी जख्मी हालत में थिएटर से बाहर आता है और सोतलाना की फैमिली को काफी बुरा भला कहता है कि तुम्हें जितनी मर्जी अच्छी पावर मिल जाए तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बात उनको बुरी लगती है और वो वेल को पकड़कर गाड़ी में बंद कर देते हैं और ठान लेते हैं कि वो चोरी कर रहेंगे। अब सभी लोग बैंक के पीछे वाले गेट पर पहुंच जाते हैं। सोतलाना की बहन उड़कर बैंक के खिड़की पर एक चेन बांध देती है, जिसके बाद उसकी छोटी बहन अपने पावर को यूज करके उस खिड़की को उखाड़ देती है और साथ ही रोड पर लाकर ट्रक खड़ा कर देते हैं जिससे कि पुलिस आए और उन्हें अंदर आने में दिक्कत हो।
हो। ये सारी चीजें करने के बाद उसकी छोटी बहन बैंक से सारे लॉकर्स को उठा लेती है और खिड़की से नीचे फेंक देती है क्योंकि उसके पास सुपर वुमन की पावर है। फिर कार में लॉकर को रखकर भाग जाते हैं। तब तक वहाँ पुलिस पहुँच गई थी, मगर यहाँ पर सुतलाना का भाई चालाकी से अपने डॉग्स को पुलिस के बीच छोड़ देता है। वो लोग वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। सारे लोग शहर से काफी दूर एक जगह पर एंजॉय करते हैं। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं कि मेरे मरने का टाइम आ गया है, मुझे यहीं पर छोड़ दो और तुम लोग चले जाओ। और उनकी ये बात लोग मान लेते हैं और चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद ग्रैंडफादर वहीं मर जाते हैं। वेल सबको उनके हिस्से के पैसे दे देता है और उसी वक्त सुतलाना कहती है कि हमने काफी गलत किया, हमें ग्रैंडफादर को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन वेल कहता है कि हम वहाँ वापस नहीं जाएंगे। ये बात सुतलाना को काफी बुरी लगती है और वो वेल से कहती है कि तुम अपना हिस्सा लो और कार से उतर जाओ। ये बात सुनकर वेल गुस्से में आ जाता है और कार से उतर जाता है। अब यहाँ से आगे हम देखते हैं कि वेल ने पूरे $1 million डॉन को दे दिए हैं और वो बाकी पैसों को लेकर किसी और कंट्री में जा रहा था। ऐसे में वो इन नए पैसों को फ्लाइट में नहीं लेकर जा सकता था, जिससे वो एयरपोर्ट जाकर पैसों को अपने पेट में बांध लेता है ताकि कस्टम वाले उसे ना पकड़ सके। अब वो बाहर आकर अपने फ्लाइट का इंतजार कर रहा था, तभी वो टीवी में देखता है कि सुतलाना और उसकी फैमिली को पुलिस ने पकड़ लिया है। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि पुलिस ने कैसे पकड़ा। वेल हुआ ये था, वो लोग ग्रैंडफादर की बॉडी लेने के लिए उसी एजेंट के पास जाते हैं, लेकिन वो एजेंट बॉडी नहीं देता। फिर वो उसको लालच देते हैं $1 million की, तभी वो मान जाता है और बॉडी वापस कर देता है। तभी वहाँ एजेंट को शक हो जाता है और वो ये सारी बात पुलिस को बता देता है और पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को सब कुछ मालूम हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वेल ग्रैंडफादर को लेकर कोर्ट में जिंदा आ जाता है, मतलब ग्रैंडफादर कभी मरे ही नहीं थे, मतलब वो अभी भी जिंदा है। यहाँ पता चलता है कि उन्हें जिंदा ही दफना दिया गया। अब ग्रैंडफादर के आते ही सारे लोग एक रेंज में आ जाते हैं, जिसके बाद उनकी पावर वापस आ जाती है। सारे लोग कोर्ट में तबाही मचा देते हैं। सुतलाना की बड़ी बहन जज पर चढ़ जाती है और यहाँ पर बहुत ही फनी सीन दिखाया गया है। यहाँ पर फैमिली बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करती है, जिसे देखकर बहुत हंसी आती है। ऐसा लग रहा होता है कि कोर्ट में मजाक चल रहा है, लेकिन वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर काफी पुलिस होती है। सुतलाना की बड़ी बहन उन सबके सामने उड़ने लगती है। यहाँ पर पुलिस वाले उसे देखकर शॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका ध्यान भटक जाता है और इसी बीच सब लोग भाग जाते हैं। वो लोग एक पोर्ट पर आते हैं, वहीं उनको डॉन मिलता है जो कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वो वेल की मदद करता है, वो सबको एक कंटेनर में बंद करके शिप से चाइना भेज देता है और यहाँ पर ये मूवी खत्म।